तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो बात हमने की थी उसको बरकरार रखते हुए और उस बात को लेके चलते हुए इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो जल्द अज जल्द आती रहेगी, तो एक और वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उसको आप लोग देखें, इंजॉय करें इस वीडियो को। तो सीन कुछ यूँ है कि हम लोग जा रहे हैं गुजरांवाला और प्लान जो है ये काफ़ी देर से बना हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए थे ये प्लान बना हुआ था। प्री प्लान है बिल्कुल, लेकिन मेरा जाना जो है वो प्री प्लान नहीं था, मेरा जाना जो है वो बिल्कुल अनप्लान था। वो प्लान मेरा अचानक से बन गया हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा जब जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, व्लॉग ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल तो अभी तो ट्यूसडे है और पैकिंग वगैरह जो है वो सारी हमने कर ली है, तो पैकिंग वगैरह कर लिया, अब गाड़ी में जाके सामान रखना है, सामान वगैरह रख के और इंशाल्लाह ताला कल सुबह हम लोग निकलेंगे। तो सुबह फजर की नमाज़ के फौरन बाद हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। बाकी कोशिश मैं करता रहूँगा कि अगर रस्ते में कुछ रिकॉर्ड कर सके तो ठीक है, अगर ना कर सके तो मजबूरी होगी, क्योंकि यार फैमिली के साथ है ट्रिप और गाड़ी में रिकॉर्ड करना मुश्किल है। अच्छा, चूँकि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा नहीं है तो कपड़े ज़्यादा नहीं मैंने लिए, एक ये मेरी शर्ट है और एक ये नीचे इसके ये ब्लू मेरी शर्ट है और कुछ बेल्ट्स वगैरह और ये इस तरह का सामान ले लिया, और इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने 2 दिन के लिए तकरीबन जाना है। तो कल मेरा दिल है, इंशाल्लाह ताला मैं शलवार कमीज पहन के जाऊंगा और ये पैंट शर्ट जो है ये वापसी के लिए रखी है एहतियात। बाकी फ़िलहाल अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं 11 हो गया और नींद से मेरी बस है, तो सोते हैं आराम से और इंशाल्लाह ताला सुबह उठ के बाकी आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग और टाइम आप लोग मेरे पास देख सकते हैं 6 बज चुके हैं। तो अभी मैं कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद नाश्ता करेंगे हम लोग, फिर गाड़ी में थोड़ा सामान रखने वाला वो रखते हैं और इंशाल्लाह फिर हम निकलते हैं। एज़ यूजुअल हम लेट हैं, तैयार मैं हो चुका हूँ और 6:30 हमने निकलना था। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, नॉट गोना लाई, लेकिन मुझे गैराज से गाड़ी नहीं निकालनी आती ठीक तरीके से, तो मैंने स्पेशली बाइक को साथ लेके गाड़ी निकाली है, उसने गाड़ी निकाल के दी है। आगे से इंशाल्लाह ताला मैं गाड़ी सारी चलाऊंगा, देखूंगा इंशाल्लाह ताला अगर चला सका तो ठीक है, ना चला सका। अच्छा, तो मंदरे तक मैंने ड्राइव किया फ़िलहाल और अब थकावट से मेरी बस हो चुकी है, टांगें मेरी दर्द करने लग गई हैं। बाबा अभी ड्राइव के लिए बैठ गए और देखता हूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगा, कुछ खाने पीने के लिए तो स्टोर पे आया था, स्टोर बंद है, अब आगे निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गुजरांवाला पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल काम बहुत सारे हैं, मेनली अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, मेरा आना इतना ज़रूरी नहीं था, ज़्यादा ज़रूरी काम मम्मा और बाबा का था, उनका कुछ पर्सनल कोर्ट वगैरह का काम है वो उन्होंने ख़त्म करना है। मेरा आना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था कि मेरे कपड़े सिलवाने हैं मैंने,
वो कपड़े सिलवाने के लिए देने हैं, अभी नाप अपना देंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, और बाकी देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। बाकी ये कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, अल्लाह खैर करे। फिलहाल इधर पेट्रोल पंप पे आए हैं, थोड़ा से रेस्ट वाला स्टॉप लिया है, तो इंशाल्लाह ताला अपना काम वगैरह सारा ख़त्म करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला होटल में चेक इन करेंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब आपने मुझे इस सीट पर बात करते हुए देखा था उस वक्त था दो बजे के करीब करीब टाइम था उस टाइम, और अभी 10:45 हो चुके हैं, मतलब 11 होने वाले हैं, तो रात का खाना वगैरह खाते हैं अभी और उसके बाद हमें सोने का टाइम मिलेगा। मैंने उस टाइम आप लोगों को कहा था कि होटल में चेक इन करेंगे, लेकिन अभी तक होटल में चेक इन करने का टाइम ही नहीं मिला है, तो अपना काम वगैरह ख़त्म होने वाला है, बस खाना खाते हैं रात का और उसके बाद होटल में चेक इन करते हैं और आराम से सो जाएंगे। सुबह इंशाल्लाह ताला 12 बजे तक चेकआउट करेंगे और कुछ जो काम रहते हैं वो पूरा करेंगे और उसके बाद वापसी इंशाल्लाह ताला। Assalamualaikum, सेकेंड डे हैज़ बीन स्टार्टेड और मैं कल खाने के बाद कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, तो अभी फ़ोन मैंने चार्ज कर ली फाइनली, तो अब आप मैं रूम टूर भी कराता हूँ, लॉबी मैंने आपको दिखा दी है और रूम टूर भी कराता हूँ आपको, वॉशरूम भी दिखाता हूँ आप लोगों को। कमरा एक्सट्रीमली प्यारा है और इस वक्त हम लोग स्टे कर रहे हैं उस्मानिया होटल में, और डबल बेड का रूम पड़ा है हमें पर नाइट 4000, तो अभी आपको रूम दिखाते चल के। अच्छा, तो नहा धो के मैं तैयार हो चुका हूँ, तो अभी देखते हैं कहीं नाश्ता करने के लिए निकलते हैं इंशाल्लाह ताला, और मैं अभी होटल की लॉबी में बैठा हूँ। अभी इससे पहले जब आपने मुझे सूट्स वगैरह चेक करते हुए देखा था उसकी अल्ट्रेशन करवाने के लिए दी थी, तो वो अल्ट्रेशन करवा के उस बंदे ने हमें कहा आप आके ले जाए, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ वो उठाने हैं, यहाँ से काम ख़त्म करना है। इस वक्त हम लोग कचहरी में हैं, तो वो काम ख़त्म हो गया, सूट्स अपने उठाने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। तो इन केस अगर मुझे आगे वीडियो एंड करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं वीडियो अभी एंड कर देता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कुछ भी अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
اچھا تو سفر اپنا کنٹینیو ہے اور آلموسٹ موٹر وے ابھی اسٹارٹ ہوا ہے پنڈی سے ابھی موٹر وے پہ آئے ہیں اور تقریباً 3 گھنٹے ہونے والے ہیں مجھے ڈرائیو کرتے کرتے. ٹانگیں میری اس وقت جڑ گئی ہیں بالکل. ابھی ذرا ریلیکس کرنے کے لیے باہر آئے ہیں, تھوڑا ادھر چائے وغیرہ پیتے ہیں, کیا وہ تو وہاں پہ آ کے رکے ہیں پہلے والے, تو چائے وغیرہ پیتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ گھر پہنچتے ہیں. بس یہ بند کر دیتا ہے, بس چلے سے. ہاں